बॉलीवुड की बिल्लो रानी यानी कि बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बहुत जल्द दोनों शादी भी करने वाले हैं। ये बात तो अब पुरानी हो गई है, लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। करण की माँ को बिल्लो रानी कुछ खास पसंद नहीं करती और वो उन्हें अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। खबरों की माने तो दोनों की फैमिली करण और बिपाशा के रिश्ते से खुश नहीं है। बिपाशा की माँ ने करण से उनके और उनकी एक्स वाइफ जेनिफर के डाइवोर्स के मामले से भी दूर रहने को कहा था। अब करण की माँ को भी दोनों के इस रिलेशन से प्रॉब्लम है। करण की माँ बिपाशा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती है। उनको करण की एक्स वाइफ जेनिफर भी पसंद नहीं थी। इसका मतलब प्रॉब्लम करण की माँ के साथ ही है। करण की माँ को बिपाशा के पास से प्रॉब्लम है। करण से पहले बिपाशा के कई रिलेशनशिप रह चुके हैं। वैसे लगता है करण की मम्मी अपने बेटे का पास्ट भूल गई हैं। करण भी दो बार शादी का लड्डू चख चुके हैं, एक श्रद्धा निगम के साथ तो दूसरी जेनिफर विंगेट के साथ। यानी कि बिपाशा की तरह करण का भी अच्छा खासा पास्ट है। जेनिफर से तलाक के बाद करण ने अपनी माँ से ये वादा किया था कि वो अब अपनी माँ की रजामंदी के खिलाफ किसी से शादी नहीं करेंगे। लगता है करण का अपनी माँ से किया हुआ ये वादा उनको काफी भारी पड़ने वाला है।